एनसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 32वें जिले का लोकार्पण करने मनेन्द्रगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हुआ ऐतिहासिक स्वागत। स्वागत से अभिभूत होकर मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर नागरिकों का किया अभिनंदन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को मनेन्द्रगढ़ में बटन दबाकर किया कलेक्ट्रेट के वार्ड का अनावरण। मुख्यमंत्री ने की चिरमिरी के 100 बिस्तर अस्पताल की जिला अस्पताल बनाने की घोषणा। और सेक्टर 1 स्थित गणपति मेले में हुआ हादसा, सेल्फी लेने के चक्कर में ब्रेक डांस झूले से गिरकर युवक हुआ घायल, निजी अस्पताल में इलाज जारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मनेन्द्रगढ़ में ऐतिहासिक स्वागत करने शहर की सड़कों में उमड़ा जनसैलाब। शहर के सभी नागरिक सड़कों पर स्वागत करने को आतुर दिखाई दिए। मनेन्द्रगढ़ में स्वागत देख मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हुए अभिभूत। नागरिकों का हाथ जोड़कर किया अभिनंदन। मुख्यमंत्री का श्री राम मंदिर चौक में किया गया भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री ने दोनों हाथ जोड़कर मंदिर के दरवाजे से प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री पर गुलाब के फूलों की वर्षा की गई। लाखों लोग सड़कों पर मुख्यमंत्री से मिलने को उत्सुक दिखे। लोगों में उत्साह ऐसा कि सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं थी। घर घर से सड़कों पर स्वागत के लिए नागरिक निकल पड़े थे। करीब 5 किलोमीटर के रोड शो में शामिल हुई लाखों की भीड़। वहीं मनेन्द्रगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को बटन दबाकर कलेक्ट्रेट के बोर्ड का अनावरण करने के बाद मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के प्रथम पुलिस अधीक्षक कोशिमा को पदभार ग्रहण कराया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने अनंत चतुर्दशी और नए जिले की मनेन्द्रगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए कहा कि बहुत पुरानी मांग पूरी हुई। बहुत पहले से मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने का संघर्ष चल रहा था, सभी का संकल्प आज पूरा हुआ। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्वागत से अभिभूत मुख्यमंत्री ने कहा कि फूल माला मुकुट पहनाकर पुष्प वर्षा कर सरोपा भेंट कर जिला वासियों ने आत्मीय स्वागत किया, सभी का आभार। आज 9 तारीख को 9वां महीने में यह मांग पूरी हुई, आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रशासन को आम जन के नजदीक लाने के लिए हम प्रशासनिक इकाइयों को छोटा कर रहे हैं। 6 जिला और 85 तहसील हमने बनाकर प्रशासन को लोगों के और करीब पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने चिरमिरी के 100 बिस्तर अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने तथा मनेन्द्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित करने की घोषणा भी की। वहीं भिलाई के सेक्टर 1 स्थित गणपति मेले में एक युवक सेल्फी लेने के चक्कर में ब्रेक डांस झूले से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया है। युवक को गंभीर हालत में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक का सिर फट चुका है, उसके शरीर में और भी कई जगह गंभीर चोटें आई। सीजी मिरर्स कल्चरल ग्रुप गणेशोत्सव समिति द्वारा विगत 25 वर्षों से गणेशोत्सव का आयोजन सेक्टर 1 में किया जा रहा है। आयोजन के दौरान व्यवस्था को बनाए रखने समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरे पंडाल परिसर में सक्रिय रहते हैं। इस वर्ष भी ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। तेलीबांधा रायपुर निवासी विनय तुलानी अपने साथियों के साथ भगवान गणेश का दर्शन करने पहुंचा हुआ था। वह ब्रेक डांस झूला झूलने गया था। जैसे ही झूला शुरू हुआ वह सेफ्टी लॉक खोलकर खड़ा हो गया और सेल्फी लेने लगा। झूला तेज होने और झटके लगने से वह नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर हाथ पैर में काफ़ी चोटें आई हैं। समिति के महासचिव धन्नू मिश्रा ने बताया कि ब्रेक डांस झूला शुरू होते ही युवक लॉक खोलकर खड़ा हो गया था। जी देखिए, हम लोग इतना बड़ा आयोजन करते हैं यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने, हम उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान देते हैं। रही बात झूले की, तो झूले में कहीं पर भी
नट बोल्ट या कहीं पर भी टूट फूट की कहीं भी कोई शिकायत नहीं आई है अभी तक तो, और इतने वर्षों का कार्यक्रम है आज तक ऐसी घटना यहाँ पर नहीं घटी। लेकिन अगर शराब के नशे में कोई व्यक्ति अगर बैठता है और लॉक खोल लेता है, लॉक खोल के सेल्फी, आजकल मोबाइल एक माध्यम हो गया है कि हर जगह जगह सेल्फी लेते हैं, तो ये जो घटना घटी है सेल्फी लेने के हिसाब से घटी है। अगर वो लॉक नहीं खोलता और खड़ा होकर सेल्फी नहीं लेता चली झूले में, तो ऐसी घटना यहाँ घटित नहीं होती। जैसे कि नोटिस भी आपको मिली है, संचालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, इसमें क्या कहना? देखिए मैडम, अब घटना घट चुकी है, अब नोटिस दिया जा रहा है, तो उसका जवाब समिति देगी और झूले वाला भी देगा। बयान उनका अभी थाने से हम आ रहे हैं, सभी का बयान हुआ है और झूले वाले का भी बयान हुआ है, बयान में भी बताया जा रहा है, और MLC रिपोर्ट भी पुलिस वालों को मिल चुकी है कि वो व्यक्ति शराब के नशे में था, उनके साथ तीन और लड़के थे वो भी शराब के नशे में थे, और उनको तुरंत हमने PCR बुला के उनको हॉस्पिटल भेजा कल रात को। समिति का जो कार्य है झांकी वाला आज जारी रहेगा? हाँ, आज चलित रहेगा, आज लास्ट, कल हवन है हमारा, कल महाभोग भी करवा रहे हैं हम, दो प्रकार का महाभोग करा रहे हैं, 12 बजे से रात को 12 बजे तक हम यहाँ पर प्रसाद बांटेंगे श्रद्धालुओं को, और 11 तारीख को विसर्जन है, शाम को 4 बजे से हम जाएंगे शिवनाथ नदी के लिए, गणेश जी प्रस्थान करेंगे, वहाँ उनका विसर्जन किया जाए। समिति के पदाधिकारी सतनाम सिंह ने घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी। जी, पता चला हमें भी कल, हम तो झांकी तरफ थे, अपने कार्यक्रम को देख रहे थे, और फिर हमको पता चला कि दुर्घटना घटी है, तो हमने PCR बुला के लड़के को भेजा और अपनी टीम को भेजा हॉस्पिटल। अभी लड़का एडमिट है BM शाह हॉस्पिटल में। लेकिन जैसे कि आप एशियन न्यूज़ भी हमारे कार्यक्रम को कवरेज दे रहा है, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा मैं कि झूले में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। लड़के लोग 4-5 लोग आए थे, शराब के नशे में थे, टिकट वाले ने कहा भी, जो टिकट फाड़ता उसने कहा भी कि भैया आप शराब के नशे में हैं, आप झूला ना झूले। उन्होंने कहा नहीं भैया, हम झूला झूलेंगे, हम बाहर से आए हैं, हमको झूला झूलने दो। झूला झूलने गया और वो जो झूला झूलते समय जब झूला चालू हुआ है तो उसने उसका लॉक उठा के सेल्फी लिया, उस सेल्फी लेते समय वो घटना घटी। बाकी हमारी समिति, हमारा कार्यक्रम जो है लगातार 25 वर्षों से चल रहा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। हम अपनी टीम के साथ लग के पूरे कार्यक्रम को एक नज़र से देख के काम करते हैं। इतनी बड़ी पब्लिक भी आ रही है, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और बाकी भी न्यूज़ कवरेज ले रहा है, इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक आ रही है, हम सबका ध्यान रखते हुए झांकी से लेके पूरे ग्राउंड की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अब ये घटना सिर्फ एक शराब और एक सेल्फी के लिए हुई है। देखिए, आप देख सकते हैं, हमने CCTV कैमरे भी लगा के रखे हुए हैं, हमने CCTV कैमरे लगा के रखे हुए हैं, जगह जगह CCTV कैमरे लगा के रखे हमने। जैसे कि इसकी शिकायत थाने भी की गई है, थाने से किस तरह की सूचना मिली है, उसके क्या कार्रवाई की जा रही है? थाने में सूचना मिली, थाने से हम गए थे थाने में और झूले वाले की सारी टीम को ले गए थे पुलिस वाले, तो हमने बोल बताया है, सब झूले वाले ने भी अपनी बात रखी है और हमने भी अपनी बात रखी है कि भाई दुर्घटना घटी है, लड़का शराब के नशे में था, आप उसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी वो सब देख सकते हैं। मैं भिलाई और जहाँ से भी जनता इस ग्राउंड में आ रही है, सभी को निवेदन करूँगा कि शराब के नशे में इस ग्राउंड में ना आए। देखिए, भगवान गणेश ने उस बच्चे को सजा दे दी, इसलिए निवेदन करूँगा कि शराब का सेवन ना करके इस ग्राउंड में आए। वहीं इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने कहा कि घायल ICU में भर्ती है, मामले की जांच की जा रही है। भट्टी थाने का मामला है, जहां पर बीती रात वहां पर जो सेक्टर 1 गणेश उत्सव समिति है, उन्होंने आनंद मेला और झूला लगवाया हुआ था, और जहां पर देर रात्रि में एक युवक झूले से गिर गया और गंभीर हालत में उसको पुलिस ने रेस्क्यू किया और अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। लड़का अभी ICU में है, बाकी जानकारी लेने के बाद हम बता पाएंगे। समिति पे कोई कार्रवाई? निश्चित तौर पर समिति पे कार्रवाई भी की जा सकती है अगर उनके द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई है तो। सर, इसका परमिशन लिए हैं क्या कि झूला लगाने का, पार्किंग वार्किंग? ये भी जाँच में लिया जाएगा कि इनके द्वारा जो भी यहाँ पर आनंद मेला, झूला, पार्किंग और बिजली कनेक्शन आदि जो लिए गए हैं वो सारे नियम के साथ हैं या नहीं। सर, बताएंगे कल रात को जो सेक्टर 1 झूले में से गिरकर जो युवक को सर पे हेड इंजरी हुई है, उसकी कंडीशन कैसी? सर देखिए, वो बेहोशी की कंडीशन में आया है और जब आया था तो ब्लड प्रेशर नहीं था, दवाई स्टार्ट की गई, अभी भी ब्लड प्रेशर जो चल रहा है वो दवाई के सहारे है, सांस ले नहीं पा रहा था, वेंटिलेटर पे है,
सीटी स्कैन हमने किया है जिसमें ये दिख रहा है कि सिर की हड्डी में फ्रैक्चर है, हड्डी टूटी हुई है और अंदर खून जमे हुए हैं। देखिए एक चीज रहता है कि हड्डी टूट के अंदर चली गई है जिसमें ऑपरेशन लगता है, एक रहता है कि अंदर खून जमी हुई है बहुत ज्यादा, एक जगह पे एक हिस्से में खून जमी है उसमें भी ऑपरेशन लगता है। इसका हड्डी जो टूटी है उसमें हड्डी खिसकी नहीं है, इसलिए हड्डी के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और अंदर जो खून जमा हुआ है वो भी बिखरा हुआ खून है, फैला हुआ खून है, बिखरा हुआ खून है, सूजन के साथ में है, जो फिलहाल हमें लगता है कि अभी ऑपरेशन करने जैसी स्थिति पे नहीं है। साथ में वो वेंटिलेटर पे है, ब्लड प्रेशर कम है, कुल मिला के बेहोशी की हालत में है, कंडीशन क्रिटिकल है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता जी। अगर चांसेस हुए तो ऑपरेशन ऑपरेट करने से कुछ उसको फायदा मिलेगा? देखिए हम जब सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन जब होती है उसमें देखते हैं कि इसमें ऑपरेशन करने की क्या इंडिकेशन है, मतलब अगर उसमें जरूरी है ऑपरेशन करना तो हम करते हैं। अभी भी उस स्कैन देखकर ऐसा लगता है कि ऑपरेशन की फिलहाल आवश्यकता नहीं है, ऑपरेशन करने जैसा ना हड्डी टूटी है ना ही इतना ज्यादा किसी जगह पे खून जमा हुआ है। तो जब आप ऑपरेशन करते हो, जैसे मैंने बताया ना कि अगर हड्डी टूट के अंदर चली गई होती तो उसमें ऑपरेशन करके उसको ऊपर लाया जाता है, या अंदर बहुत ज्यादा खून जमा हुआ है तो ऑपरेशन किया जाता है। इसमें अभी भी जो स्कैन कल की जो हुई है उसमें ऑपरेशन करने जैसी स्थिति नहीं लगती है। तो हमारा विचार ये है कि एक दो दिन, दो तीन दिन दवाई देकर देखते हैं, कम से कम 48-72 घंटा निकलेगा कंडीशन में कैसी रहती है, फिर एक सीटी स्कैन हो सकता है, फिर से हम रिपीट करें, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि फिलहाल देखकर ऐसा लगता है कि फिलहाल ऑपरेशन से फायदा नहीं होगा, इसलिए ऑपरेशन की जरूरत फिलहाल नहीं है। बहरहाल इस तरह की घटनाओं से लोगों को सबक लिए जाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। जलेबी चौक से नेताजी सुभाष चौक कैंप 1 पहुंच मार्ग पूरी तरह से जर्जर होकर गड्ढों में तब्दील हो गया है। निगम प्रशासन ने गड्ढों को भरने जीरा गिट्टी बिछाई है जिससे वाहनों के गुजरने से उड़ती धूल से स्थानीय दुकानदार और रहवासी लंबे समय से परेशान है। जलेबी चौक से नेताजी सुभाष चौक कैंप 1 पहुंच मार्ग के संधारण को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कई बार नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है, लेकिन संधारण के नाम पर इन्हें केवल आश्वासन ही मिलता आया है। जलेबी चौक से नेताजी सुभाष चौक तक सड़क जर्जर होकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सड़क पर दुपहिया वाहन चालक आए दिन वाहनों से असंतुलित होकर गिरते हैं। गड्ढों को भरने जीरा गिट्टी बिछाई गई है जिससे उड़ती धूल से स्थानीय व्यापारी और रहवासी सुबह से रात तक परेशान रहते हैं। प्रदूषण से बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। बावजूद इसके सड़क संधारण को लेकर अब तक कोई पहल नहीं की गई है। स्थानीय लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सर यह सड़क जो है काफ़ी जर्जर हो चुकी है, जर्जर और इसमें गड्ढे हो चुके हैं। इस गड्ढे को पाटने के लिए नगर प्रशासन द्वारा इसमें जीरा गिट्टी डाला गया जो काफ़ी रोड बनाया जाए जो है काफ़ी मुसीबत का कारण बना हुआ। जीरा गिट्टी डालने के कारण गड्ढे के ऊपर गाड़ियों के चलने के कारण जीरा गिट्टी जो है गड्ढे के बाहर निकल के आ गए, गड्ढे के बाहर निकल के आ गए, गाड़ियों का जाना आना लगा रहता है जिससे धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहा है जो काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है जिससे लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं। इसकी शिकायत अनेकों लोगों द्वारा, मेरे अलावा और भी लोगों द्वारा इसका शिकायत किया कर, परंतु अभी तक इसका कोई भी इसका मतलब निराकरण नहीं निकला। इसके बाद हमने फिर अभी कलेक्टर साहब को हमने इसको ज्ञापन सौंपा है। हम चाहते हैं हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, ये जीरा गिट्टी ये जो है पहले साफ किया जाए और इसका रोड का मतलब नए सिरे से इसको बनाया जाए। धूल के कारण पूरे दुकानों में धूल की इतनी मोटी मोटी परतें जम जा रही, लोग इस धूल के कारण दुकान के सामने बड़ी बड़ी झिल्ली लगाकर धूल से बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं शासन और प्रशासन से जल्द इस हमारे समस्या का निराकरण निकाला जाए। पर ये कई वर्षों से रोड का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे लोग आते जाते हमेशा गिरते हैं, यहाँ पे कई लोगों को यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया है और दुकानों को तो बुरा हाल हो गया। हम लोग का बकायदा बिल्कुल प्लास्टिक लगा के रखना पड़ता है, धूल भर जाती है, हर दूसरे दिन इतनी धूल भर जाती है पूछो मत, पॉल्यूशन भी बहुत फैल रहा है। हम लोग तो यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स सर्च टैक्स दे रहे हैं सर निगम का, हमने कई बार यहाँ पे बोला हुआ है पर इसको कोई सुनवाई नहीं है इसका। तो कृपया करके जो भी इससे अथॉरिटी है इसकी इसमें ध्यान दें और इसको नया रोड बनाएं। यहाँ नालियों का भी बहुत टूटा है, नाली भरी पड़ी हैं, बजबजा रही हैं, वो आते हैं सफाई कर्मचारी 2-4 साफ करके चले जाते हैं,
कोई मतलब नहीं निकल रहा उसका, पूरा पानी रोड में भरा रहता है। थोड़ी बरसात होती है पूरा एक फुट पानी भर जाता है रोड में, जलेबी चौक से लेकर सुभाष चौक तक रोड इतनी जर्जर खराब है जो यहाँ के बुजुर्ग लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। अब कई बार इसकी सूचना नगर ने हमको पार्षद को या विधायक को दी गई है, मगर इसके उपरांत भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो पाया है। अतः अभी भी नगर निगम कर्मचारी से अनुरोध है, विधायक पार्षद जो भी हैं इस मोहल्ले के जवाबदार, इस सड़क के जवाबदार, उनसे अनुरोध है कि सड़क को बनाएं। नहीं बनाने से ये दमक का शिकार हो रहा है, अलग नाली में अलग नलक, अरे धूल प्रदूषण से, मैंने प्रदूषण इतना ज़्यादा है घर घर दुकानों में धूल जो भर रही है। बहरहाल स्थानीय लोगों की परेशानियों के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन को इस दिशा में पहल किए जाने की जरूरत है, ताकि आवागमन सामान्य होने के साथ ही लोगों को प्रदूषण से निजात मिल सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्त रोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मल द्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा ना होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता, डॉक्टर हीरा, गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज, उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध, न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध, मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध, स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। रुक जाइए, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य हार्ट की इन समस्याओं से परेशान है, जैसे कि लो हार्ट पंपिंग, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, अनियमित हृदय गति या फिर छाती में भारीपन, सांस का फूलना या सांस लेने में तकलीफ होना, बार बार चक्कर आना, पैरों में सूजन आना या बेचैनी महसूस होना, और आप हार्ट की इन सभी समस्याओं का बिना किसी ऑपरेशन, बिना हॉस्पिटलाइजेशन, बिना किसी रिस्क के इलाज करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रस्तुत है विश्व की सबसे आधुनिक व प्रमाणित हृदय चिकित्सा पद्धति, जो कि USFDA अप्रूव्ड है, EECP ट्रीटमेंट, जो केवल 40 घंटे में आपके हार्ट की समस्याओं का निदान कर सकता है। यह ट्रीटमेंट पद्धति उन हृदय रोगियों के लिए भी कारगर इलाज करती है जिन्हें पूर्व में बाईपास या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और उन्हें अभी भी हृदय संबंधी परेशानी बनी हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। दी हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, श्री मालू मेडिसिन सेंटर, नेहर रोड, पद्मनापुर दुर्ग,
छत्तीसगढ़। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता, बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 777-30-777-111, 777-30-777-122। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। 31 अगस्त से पूरे शहर में भी विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान से 9 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना कर सेवा की गई। तत्पश्चात गुरुवार से प्रारंभ हुआ हवन और महाआरती का आयोजन, साथ ही महाभंडारे के आयोजन भी सभी छोटे बड़े पंडालों में आयोजित किए गए। सभी भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक अपने अपने घरों और पंडालों में पूरी तन्मयता से गणपति महाराज की आराधना की। इसके बाद शुक्रवार से भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इसी कड़ी में पावर हाउस कैंप वन मार्केट में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन धुमाल की थापों के बीच किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विघ्नहर्ता भगवान गणेश के अगले वर्ष जल्द आने की गुहार लगाते हुए विदाई दी। आइए देखते हैं इसकी कुछ खास झलकियां। ओम हरि ओम मागणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गणपति देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम अष्टमरुभ्यो नमः स्वाहा। गणेशभ्यो नमः स्वाहा। पार्षद सुभद्रा सिंह द्वारा मापदंडों को पूरा किए हितग्राहियों को शुक्रवार को राशन कार्ड वितरण किया गया। इसमें सेक्टर 10 के विभिन्न वार्डों से आए हितग्राही शामिल हुए, जिन्होंने पार्षद का आभार जताया। नगर निगम और खाद्य विभाग के सहयोग से सेक्टर 10 की पार्षद सुभद्रा सिंह द्वारा लगातार जरूरतमंद और मापदंडों को पूरा किए हितग्राहियों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां भी दी जा रही हैं। इसी के तहत पार्षद द्वारा सेक्टर 10 स्थित अपने निवास कार्यालय में बड़ी संख्या में विभिन्न वार्डों से आए लोगों को राशन कार्डों का वितरण किया गया। राशन कार्ड प्राप्त कर हितग्राहियों ने पार्षद सुभद्रा सिंह का आभार जताया। पार्षद ने कहा कि जरूरतमंदों के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को लगातार जारी रखा जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी भूपेश बघेल जी वो भी यही चाहते हैं कि हर गरीब परिवार को निःशुल्क राशन मिले। पहले तो 2-3 रुपए किलो में मिलता था राशन, लेकिन अभी 2021 से कोरोना टाइम से
आप देख रहे हैं कि सभी को निःशुल्क दिया जा रहा है। उसी के तत्वावधान में मैंने ये नगर निगम द्वारा खाद्य विभाग द्वारा मिलकर ये राशन कार्ड बनाया है और निःशुल्क लोगों को प्रदाय किया है, क्योंकि वो अत्यंत गरीब लोग हैं। जिन लोग कई सालों से 5 साल 6 साल से घूम रहे थे, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा था, ऐसे व्यक्ति लोग का, महिलाओं का मैंने राशन कार्ड बनाया है, ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर पाए, अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए। और हमारे सारे लोग यही चाहते हैं, आपके देवेंद्र यादव जी हुआ, आपके अपने नीरज पाल जी हुए, सारे लोग यही चाहते हैं कि कैसे भी उस योजनाओं का लाभ उठा सकें हमारी बहनें। तो निश्चित तौर पर आज फिर से मैंने बनाया है और हजारों लोगों का मैंने आज तक बना चुका है। करीब करीब मान के चलिए पूरे भिलाई क्षेत्र में, बल्कि वैशाली नगर से भी कुछ आते हैं, कुछ रिसाली से भी आ जाते हैं, सभी का मैंने राशन कार्ड यहाँ पर बनाया हुआ है। और निश्चित तौर पर आगे भी बनाते रहूंगी, क्योंकि जरूरत तो लोगों को है ही। धन्यवाद। वहीं राशन कार्ड प्राप्त एक हितग्राही ने अपनी प्रतिक्रिया दी। धन्यवाद। मैं सुभद्रा मैडम पार्षद जी सेक्टर 10 से के उनके यहाँ आई हूँ राशन कार्ड लेने। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा था, तो वो भी किसी कारणवश कई लोगों को, अधिकारियों को मैंने पैसे भी दिए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, नहीं बनेगा बोलते, आपका 2011 का जनगणना नहीं है। लेकिन जब सुभद्रा मैडम मिली मुझे, तो उनसे उन्होंने आज मुझे राशन कार्ड बना के दिया। उनका लाख लाख मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की। बहरहाल पार्षद का यह कार्य सराहनीय है, इससे हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वही कैंप 2 स्थित बाल मंदिर में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण कराने बड़ी संख्या में माताएं बच्चों को लेकर उपस्थित हुई। शिविर में SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन कैंप 2 स्थित बाल मंदिर के संचालक के आग्रह पर बाल मंदिर परिसर में किया गया। शिविर में माताएं अपने बच्चों को लेकर उपस्थित हुईं। शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती के तैल चित्र पर SR हॉस्पिटल चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी व अन्य अतिथियों डॉक्टरों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही अतिथियों द्वारा बच्चों को बिस्कुट भी प्रदान किए गए। शिविर में अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP केशरवानी और डॉक्टर पवन देशमुख द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाएं दी गईं। साथ ही माताओं को बच्चों को स्वस्थ रखने चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। बाल मंदिर के संचालक अमर सोनकर, अतिथि गार्गी मिश्रा और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP केशरवानी ने शिविर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आज SR हॉस्पिटल द्वारा कैंप 2 बाल मंदिर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। ये एक बहुत अच्छा काम उनके हॉस्पिटल द्वारा किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनके डायरेक्टर संजय तिवारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, क्योंकि कैंप क्षेत्र में, चूँकि वो भी खुद कैंप से निकले हुए हैं और कैंप क्षेत्र में उनके अस्पताल द्वारा जो एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, जहाँ वेल इक्विप्ड डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो एक बच्चों के लिए और उनके पालकों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कर रहा है। काफ़ी जाँचें उन्होंने रखी हैं और ये शिविर वो लगातार कैंप क्षेत्र में कर पाए, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं, ऐसी बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि इसका लाभ यहां स्थानीय लोगों को मिले, बच्चों को मिले, पालकों को मिले, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाल मंदिर के जो संचालक है अमर सोनकर जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आज SR हॉस्पिटल द्वारा हमारे बाल मंदिर के बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। मैं SR हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री संजय तिवारी जी, डॉक्टर्स और उनके मेडिकल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इस श्रमिक क्षेत्र में आए और यहां के बच्चों का निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण कर रहे हैं और जो भी आवश्यक है वो दवाई उपलब्ध करा रहे हैं। आज जो है पावर हाउस में स्थित ये बाल मंदिर में के बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हमारी SR टीम, ये SR हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग की टीम आई हुई है। यहाँ पे हम बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार उनका उनको दवा का वितरण भी कर रहे हैं और बाद में सब परीक्षण होने के बाद स्वस्थ कैसे रहना है उसकी सब जानकारी बच्चों के साथ साथ मदर को भी दी जाएगी, ताकि बारह शिविर में बच्चों से जुड़ी विभिन्न बीमारियों की जांच कर उन्हें दवाएं दी गईं। बच्चों के पालकों ने शिविर को लेकर अस्पताल प्रबंधन का आभार जताया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
भिलाई के प्रमुख स्थल। पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टैरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल। स्वीट होम अवे फ्रॉम होम, पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नगर निगम भिलाई के एमआईसी कक्ष में महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त लोकेश चंद्राकर तथा अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में महापौर परिषद की बैठक संपन्न हुई। शहर सरकार की बैठक में शहीद चुम्मन यादव की प्रतिमा छावनी चौक में स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया और अब शीघ्र अतिशीघ्र शहीद चुम्मन यादव की प्रतिमा छावनी चौक पर स्थापित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छावनी में आयोजित आम सभा के दौरान घोषणा की थी कि छावनी चौक पर शहीद चुम्मन यादव की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिस पर तत्परता से शहर सरकार ने अमल करते हुए इस पर शीघ्रता से कार्य करने निर्णय लिया है। इसके साथ ही महापौर परिषद की बैठक में निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य, जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य, जोन क्रमांक 1 नेहरू नगर अंतर्गत 7 MLD क्षमता की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य, हुडको में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य, नगर निगम भिलाई के नए लोगो मोनो के सृजन के संबंध में नगर पालिक निगम भिलाई के विभिन्न योजनाओं में रिक्त व्यावसायिक आवासीय आवासीय सहित व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन के संबंध में तथा प्लास्टिक अवशेष प्रबंधन उप विधियों 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में उचित निर्णय लिया गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा थी जब वे छावनी मंगल बाजार में आम सभा के दौरान में उन्होंने छावनी में शहीद चुम्मन जी के याद में उनके प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी। इस पर जो है शहर के माननीय विधायक भिलाई नगर विधानसभा के देवेंद्र यादव जी भी जो है सक्रियता भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और इसके बाद से जो है महापौर परिषद में इस विषय को बैठक में लाया गया था माननीय महापौर जी के पास से, और शहीद चुम्मन यादव जी की जो प्रतिमा है उसको लगाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उस पर तत्परता से निर्णय लेते हुए इस पर जो है इस प्रस्ताव को पारित किया गया और शीघ्र अतिशीघ्र जो है प्रतिमा स्थापित करने का काम किया जाएगा। निगम भिलाई की टीम ने गुरुवार को एक बड़ी कार्यवाही करते हुए नंदनी रोड शराब दुकान के पास चखना सेंटर लगाने वालों को हटवाया। नंदनी रोड स्थित शराब दुकान के आसपास खुले में
अहाता लगाकर चखना सेंटर संचालित किया जा रहा था। नगर निगम की टीम वहां पहुंची और सभी चखना सेंटरों को वहां से खाली कराया। इसके साथ ही इन दुकानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर भी कार्यवाही की गई। निगम भिलाई आयुक्त लोकेश चंद्राकर एवं अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने सड़क बाधा, यातायात प्रभावित करने, कचरा फैलाने और प्रतिबंधित प्लास्टिक पर विशेष तौर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में गुरुवार को निगम भिलाई की टीम अपने दलबल एवं आवश्यक संसाधनों के साथ नंदिनी रोड शराब दुकान के पास पहुंची और चखना सेंटर को हटाते हुए रास्ते को खाली कराया। इधर नेहरू नगर जोन अंतर्गत सड़क बाधा करते हुए व्यवसाय करने वाले योगेश कुमार देवांगन से 2,000 रुपये एवं आर्य नगर कोहका रोड पर व्यवसाय करने वाले मोहन साहू से 5,000 रुपये सड़क बाधा शुल्क लिया। गौरतलब है कि दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने शहर की सुंदरता पर दाग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश निगम को दिए हैं। इसी तारतम्य में निगम प्रशासन लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। देखिए, समय समय पर जो है हम लोग प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करते रहे। ज़्यादातर देखने में आता है कि जो चखना सेंटर होते हैं वहाँ पे बहुत आयत मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग होता है, विक्रय होता है। इसको देखते हुए माननीय आयुक्त महोदय ने एक बार बैठक ली थी और बैठक लेकर जो है उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि ऐसे स्थानों से जो चखना सेंटर हैं, शराब भट्टी के पास में जो रहते हैं, उनको आप टारगेट करें और बड़े लोगों को टारगेट करें जो निर्माता है, होलसेलर इसके होते हैं, उनको सूचीबद्ध करें, उसके बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तारतम्य में जो है हाल ही में लाखों का जुर्माना वसूल किया गया था और बहुत सारे प्रतिबंधित प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किए गए थे। आगे इसी पे जो है अहता जो लगाते हैं, जो नंदनी रोड है, काफ़ी व्यस्तम रोड है और इस मार्ग से होकर बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो भी गुजरते हैं, बड़ी वाहनें गुजरती हैं। अहता लगाने से जो है वो सड़क बाधा भी हो रहा था, दूसरी दुर्घटनाएं संभावनाएं बढ़ती थी और इसके अलावा जो प्रतिबंधित प्लास्टिक भी उनके द्वारा विक्रय किया जाता था, इसको लेकर समुचित कार्रवाई की गई है। निगम की टीम गई और जो ऐसे खुले में जो अहता बेचते थे, जो रखते थे, जो प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते थे, विक्रय करते थे, उन पर कार्रवाई की गई, उनको हटाया गया। सर, और भी शराब दुकानें हैं और भी चखना सेंटर, क्या आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रही? बिल्कुल बिल्कुल, इन पे टारगेट लेकर कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए जो है कार्य विभाग से समन्वय भी स्थापित किया जाएगा ताकि ऐसे लोगों पर जो प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय कर रहे हैं और पर्यावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इन पे कार्रवाई। भिलाई निगम द्वारा लगातार किए जा रहे कार्रवाइयों से भिलाई की सुंदरता में चार चांद लगते जा रहे हैं। जरूरी होगा कि आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी सहभागिता इस अभियान में प्रदान करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत थर्ड जेंडर समुदाय के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। तृतीय लिंग समुदाय के लोगों ने कहा कि यह एक अच्छा स्वास्थ्य शिविर है जिसमें हर प्रकार की सुविधा मौजूद है। तुरंत टेस्ट होने के साथ ही रिपोर्ट भी समय पर मिल जाती है और बीमारियों के कारणों का पता चलता है तथा दवाइयां भी ऑन द स्पॉट मिल जाती हैं। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर एवं अधीक्षण अभियंता बीके देवांगन भी मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे और स्वास्थ्य परीक्षण की चिकित्सकों से जानकारी ली। देखिए, मोबाइल मेडिकल यूनिट हमारे यहाँ, इसके माध्यम से दो मोबाइल मेडिकल यूनिट और एक दायित्री क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, जिसके तहत में स्लम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उनके वार्ड और मोहल्ले में मुहैया कराई जा रही है। माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय के निर्देश पर विशेष स्वास्थ्य शिविर जो है तितिंग लिंग समुदाय के लिए लगाया गया था, जिसमें ऐसे जो थर्ड जेंडर के जो समुदाय के लोग हैं वो सभी आकर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और उन्होंने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस यूनिट में 41 प्रकार की जो रक्त परीक्षण की जो टेस्ट किया जाता है उसके माध्यम से जो रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के आने के बाद में जो दवाइयां मिलती हैं वो सारी दवाइयां मुफ्त है, इनका इलाज मुफ्त किया जाता है। ये विशेष कैंप लगाने का मकसद यह रहता है कि जो स्कूली छात्र छात्राएँ, बच्चे हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो आर्मी वाले हैं, जो बीएसएफ वाले हैं, इनको बहुत कम ऐसे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने का, परीक्षण कराने का मौका मिलता है। व्यस्तता रहती है, लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, कई बार अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए इनको मोटिवेशनल करते हुए इनके लिए विशेष कैंप आयोजित किया गया था। माननीय आयुक्त महोदय ने इसका निरीक्षण कर जायजा लिया और काफ़ी लोगों ने जो थर्ड जेंडर समुदाय के थे वो इसमें आए, उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण कराया, स्वास्थ्य लाभ लिया और दवाइयाँ भी। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।